आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। राग समय चक्र। श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है श्रृंखला राग समय चक्र की पहली कड़ी। योग्यम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधैः। एक विशिष्ट स्वर समुदाय जो स्वर या वर्ण से सुशोभित होकर मनुष्यों के हृदयों का रंजन करता है, उसे गुणीजन ज्ञानीजन राग कहते हैं। श्रोताओं, राग समय चक्र, इस विषय पर हमसे विस्तृत चर्चा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जयपुर अतरौली घराने की गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर को। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हमारी इस श्रृंखला में तबले पर संगति कर रहे हैं बनारस घराने के मूर्धन्य तबला नवाज पंडित किशन महाराज जी के शिष्य श्री बालकृष्ण अय्यर जी। बालकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं शुभांगी भावसार जी का, जो हारमोनियम पर संगत करेंगी। नमस्कार। श्रोताओं, मंजरी जी का परिचय आपको संक्षेप में मैं दूं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की उच्च श्रेणी की कलाकार हैं। बचपन से ही संगीत की शिक्षा आपने प्राप्त की। चूंकि आपके पिता पंडित मोहन राव कर्वे जी अपने जमाने के माने हुए गायक थे, वे ही आपके पहले गुरु थे जी। आगे जयपुर अतरौली घराने की तालीम आपने हासिल की जाने माने संगीतज्ञ गुरु स्वर्गीय वामन राव देशपांडे जी से जी। मंजरी जी, जहां तक जयपुर घराने की गायन शैली की बात है, उसमें एक पारंपरिक सोच होती है। बिल्कुल। जिसमें घराने की शुद्धता और सौंदर्य के संवरण का अनोखा मिलाप देखने को मिलता है जी। तो इस शैली के बारे में और अपने गुरुजनों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? मेरे पहले गुरु थे पंडित मोहन कर्वे, मेरे पिताजी गायनाचार्य रामकृष्ण बुआ वझे के वो शागिर्द थे जी। हरिभव घंगरेकर से भी उन्हें तालीम मिली थी। हाँ। और मास्टर कृष्णराव जी का सांगीतिक सहवास भी मिला था। बाद में मैंने नवनीत भाई पटेल से तालीम प्राप्त की जी। वो तबला नवाज थे, बंदिश रचनाकार थे, जलतरंग बजाते थे और आकाशवाणी पे म्यूजिक कॉम्पोजर थे। उनके साथ साथ पंडित अप्पा साहेब कानेटकर भुर्जी खां के शागिर्द, उनसे मैंने तालीम हासिल की और बबन राव जी हरदणकर, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन किया। जयपुर अतरौली घराने की विशेषता, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जयपुर गायकी में पहली विशेषता यह है कि आकार से, खुली आकार से गाना, और उसके लिए कुछ सूरत बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती। और एक विशेषता यह है जयपुर घराने की, वो ज्यादातर अनवट राग जोड़ राग पेश करती है। तिहाई ज्यादातर नहीं लेती, सरगम नहीं लेती, और गायकी का जो चलन होता है वो हमारे गुरुजी ने घरंदाज गायकी में, उन्होंने लिखा है स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर। वो कर्वेचर है टेढ़ी गायकी। हाँ। जयपुर गायकी वो सीधी नहीं जाती और चलन ही ऐसा है उसका। हाँ। आलाप करने में भी वो ऑफबीट आलापी करती हैं। और बाकी सूक्ष्म लय की हम सोच विचार कर सकते हैं जी। और ज्यादातर धीमी लय होती है। बंदिशों का मुखड़ा आकर्षक होता है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है बंदिशों के मुखड़े में भी और गायकी में भी। और ऐसी बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं जी। जो वामन राव जी के पास मैं जब सीखती थी उसको मैं समझ गई थी। मंजरी जी, जी राग समय चक्र, ये श्रृंखला जो हम आज से शुरू कर रहे हैं,
थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हम दिन के पहले प्रहर से जो राग गाए जाते हैं वहाँ से किन रागों की उनकी विशेषता बताते हुए कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आपसे हम इसकी जानकारी चाहेंगे। स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों के गाने बजाने के बारे में जी समय सिद्धांत प्राचीन काल से वेद काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन रागों में अर्वाचीन रागों में समय सिद्धांत पर कुछ मतभेद भी हैं, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे प्राचीन संगीत पंडितों ने जी रागों को उनके ठीक समय पर गायन या वादन करने का सिद्धांत अपने ग्रंथों में जरूर स्वीकार किया है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में समय सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और ये स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों में तीन वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से उनका विभाजन किया है जी। संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल ऋषभ और कोमल ध वाले राग, शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले राग, और तीसरा विभाजन है कोमल ग और कोमल नी वाले राग। समय चक्र के अनुसार मैं आज यहाँ भैरव यानी ब्राह्म मुहूर्त से सुबह 4 से हम शुरू करेंगे ये समय चक्र जी जी। तो समय चक्र के अनुसार हम अलग अलग रागों की चर्चा करेंगे और बंदिशें भी सुनाएंगे। जी बिल्कुल मंजरी जी जी, जयपुर अतरौली घराने की विशेषता को उजागर करने वाला कौन सा राग और राग की बंदिश आप हमें सुनाएंगी? आज मैं राग सावनी पेश कर रही हूँ। सावनी ये जयपुर का खास राग है, उसकी बंदिश भी जयपुर घराने की है जी। वो बंदिश ऐसी है, दे हो सतसंग श्री रंग बावा गंग कारण शरण सब शिव के आए। ये प्रार्थना स्वरूप बंदिश है जी जी। और वामन राव जी ने हमें पहले दिन सिखाई थी। वो जयपुर घराने की तालीम की शुरुआत इस बंदिश से हुई। सावनी राग रात को गाते हैं, रात के पहले प्रहर में गाते हैं, इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। शिव के आ
क्या बात है मंजरी जी, प्रार्थना के इन सुरों से बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है हमारे इस राग समय चक्र श्रृंखला की। अगली कड़ी में हम प्रथम प्रहर यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, हाँ। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जी। उस समय में जो राग गाए जाते हैं, हाँ। उसकी हम चर्चा करेंगे। आज इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राग समय चक्र, ये थी इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर आपसे बातचीत की थी जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत बालकृष्ण अय्यर का, हारमोनियम पर शुभांगी भावसार। चलने से पहले आपको बता दें, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। Gaba da risa, gaba da risa, gaba da risa.